मंत्रालय के आर्थिक आधार पर आरक्षण वर्गीकरण निर्णय के विरोध में भारत बंद का ऐलान करने के बाद पुलिस द्वारा बुधवार को शहर के अधिकतम रास्ते सील कर दिए गए और किसी भी व्यक्ति को पुलिस आने जाने नहीं दे रही थी। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद अंबेडकर पार्क में विशाल धरना देकर जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसएस के पूर्व नगीना सांसद गिरीश चंद्र, कोऑर्डिनेटर रण विजय सिंह, महावीर प्रसाद मौर्य, एडवोकेट परमाल, सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू, प्रदेश सचिव युद्ध ब्रिगेड बद्दू खां, अरुण पाशा, अखिल चौधरी, बीएसपी वरिष्ठ नेता कुलदीप तुरेहा व अधिक संख्या में अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पहुंचे जिलाधिकारी अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल को बहुजन समन्वय समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। इस दौरान अंबेडकर पार्क के बाहर खड़े एसपी सिटी रण विजय सिंह, सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर, सिविल लाइन थाना प्रभारी मनीष सक्सेना व अन्य स्थानों का फोर्स मुस्तैद रहा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 तारीख को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कोटे में क्रीम लेयर की बात करके उसको बांटने का जो आदेश उन्होंने जारी किया था, उसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने पूरे देश में 21 तारीख को बंद करने का आह्वान किया। उसी आदेश पर आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपने देखा सफल प्रोग्राम रहा पूरे देश में, मुरादाबाद में भी, मतलब पूरे देश में भी हमारी, मैंने जानकारी प्राप्त की है, सब जगह बहुजन समाज पार्टी के लोग आज मैदान पर उतरकर संवैधानिक दायरे में धरना प्रदर्शन करने का काम किया। हमारी मांग है कि सरकार को तुरंत विशेष सत्र बुलाकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख को जो अनुसूचित जाति जो जनजाति में जो प्रावधान कोटे में कोटे अलाउ करने का काम किया है, वो सरकार सत्र बुलाए और बुलाकर इसे समाप्त करने का काम करे। मेरा आदेश ये कि देना ही चाहते हैं या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को देना चाहते हैं, जैसे इन्होंने अपर कास्ट में UWS बनाया है, 10% का आरक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है, तो ऐसे ही अनुसूचित जाति जनजाति में भी UWS बनाकर उन्हें 10% का आरक्षण देकर उन्हें भागीदारी देने का काम करे। तो बांटने का काम देश की सरकार करने का काम कर रही है। हमारा अगला कदम आदरणीय बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की, जो उनका आदेश होगा उनके निर्देश में अगला कदम उठाने का काम करेंगे। देखिए आज एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम था बहुजन समन्वय समिति के द्वारा, जिसमें और संगठन भी जुड़े हुए थे, इनके द्वारा आज यहाँ अम्बेडकर पार्क में इकट्ठा होकर और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। हम लोगों ने यहाँ पे जो ज्ञापन का कार्यक्रम है उसे सफल संपन्न कराया है और जो भी उनके ज्ञापन में है उसको हम लोग जहाँ भी उचित जो भी जहाँ पे उनको भेजा जाना है हम उसको यहाँ से भेज देंगे। लगभग कितने भीड़ अनुमान लगाएंगे? हमें लगता है कि 1500 लोग थे यहाँ पर। अच्छा जी, शांतिपूर्ण माहौल में? बहुत शांतिपूर्ण माहौल में ये संपन्न हुआ है और सभी लोग अपने घरों को जा रहे हैं। हम लोगों ने सबसे अपील कर ली है, सभी लोग अपने अपने घर शांतिपूर्वक अपने अपने घर पहुँचेंगे।